हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको यूट्यूब की सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको यूट्यूब की सारी सीक्रेट सेटिंग बताते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे पास कई डीएम मेल आते हैं और अपने चैनल का यूआरएल भेज देते हैं। हमारे चैनल को चेक कर लीजिए, हमने कोई सेटिंग तो नहीं गलत कर रखी? क्या हमने अपने चैनल पे सभी सेटिंग सही से कर रखी है? तो चलिए दोस्तों, हम आपको आगे समझाते हैं अपने यूट्यूब की ऑल सेटिंग के बारे में। मैं सभी को इंडिविजुअली तो नहीं बता सकता, लेकिन इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के सभी को बता दिया जाए। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, अराउंड 20 मिनट के आसपास, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपका भी यूट्यूब चैनल अच्छे से ग्रोथ करे। बट आपकी यूट्यूब की जितनी भी सेटिंग होती है सीक्रेट सेटिंग, वो सभी आपको बता दिया जाएगा इस वीडियो में। एंड सभी सेटिंग के बारे में बारीकी यूट्यूब स्टूडियो में आपका चैनल दिख जाएगा आपको। इसमें साइड में 3 डॉट दिया हुआ है ऊपर, उस पर क्लिक करके आप नीचे डेस्कटॉप साइट के नाम से दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेस्कटॉप वर्जन में आपकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो अब आपका इसमें पहला काम आ जाता है, जो पहली सेटिंग है। सबसे पहली सेटिंग ये है, जो अपने साइड में डॉलर का निशान दिख रहा होगा आपको, उसके नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करो, आप चैनल कस्टमाइजेशन का पेज ओपन हो जाएगा। लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वीडियो स्पॉटलाइट, और यहाँ पर लिखा है। अब इसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है इसमें लेआउट, दूसरा है बेसिक इन्फॉर्मेशन, और तीसरा है ब्रांडिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेआउट में कौन कौन सी सेटिंग करनी होती है। लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है होम पेज पे, यानी कि एक वीडियो लगा सकते हैं जिसके बारे में आप बताते हैं, मतलब ट्रेलर के तौर पर, ठीक है। तो इसमें आपको पहला काम क्या मिलता है, चैनल ट्रेलर पीपल वो हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, यानी कि एक चैनल ट्रेलर बनाओ जिसके बारे में अपने यूट्यूब चैनल के बारे में अच्छी तरह से बताओ। आप अपने वीडियो में क्या बताना चाहते हो, किस चीज़ से रिलेटेड बताना चाहते हो, तो आप ट्रेलर अपना खुद का बनाओ एक वीडियो का। और जिस भी बंदे ने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपकी उस वीडियो को देख के वो समझ जाएंगे कि ये हमारी काम की चीज़ है, तो वो आपका चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर चैनल वाले ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, अगर आपने चैनल पर अपने कोई वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, तो आप वहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकते हो। लेकिन खैर, मैंने अभी अपने चैनल पर खुद का मतलब ट्रेलर नहीं लगाया हुआ है, और जैसे कई यूट्यूबर है वो नहीं लगाते हैं यूट्यूब पे ट्रेलर, खासकर कोई नहीं लगाता है। अगर आप लगाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है इससे वो लगाने से आपको बेनिफिट होगा, तो आप ज़रूर लगाएं इसे। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है, उसके बाद आपके चैनल पे गया हुआ है, उसने विजिट किया हुआ है, वीडियो को देखा हुआ है उसने, तो वो वीडियो को देख कर खुश हो जाता है, तो वो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। हाँ, लेकिन वीडियो में काम की चीज़ होनी चाहिए जब भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, और ये लगाना ज़रूरी होता है, इसे हर कोई यूट्यूबर लगाता है। जिस तरह से आपको पहले वाले ऑप्शन में ऐड का ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसमें भी आपको दूसरे नंबर जो ऐड वाला ऑप्शन दिया होगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके, यहाँ पर देखिए मैंने लगाया हुआ है, आप इसमें वीडियो को कभी चेंज भी कर सकते हैं, और आपको कभी हटानी हो वीडियो तो आप हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए दोस्तों, आपको इसमें 3rd ऑप्शन मिल जाता है फीचर सेक्शन का। जैसे आप मान लीजिए, जैसा कि आपका पहले अगर कोई चैनल है और उस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, और आपने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, तो आप फीचर सेक्शन में जाके अपने नए चैनल को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने नए चैनल टेक्निकल सोशल हब को, कोई ब्लॉग चैनल है उसे ऐड कर लीजिए। अब इसके आप नीचे देखिएगा, इसमें पॉपुलर वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस सेक्शन है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे
आपका कोई नया चैनल है तो यहाँ पे फीचर चैनल में ऐड कर सकते हो। इससे ऐड करने का बेनिफिट ये रहेगा, तो आपका जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब अपने आप ग्रोथ होते रहेंगे। आप अपने नए चैनल को प्रमोट कर रहे हैं किसी मतलब बड़े यूट्यूब के चैनल के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पॉपुलर वीडियोज़ है जो मतलब जो भी आपकी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियोज़ रही हैं जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, वीडियोज़ आपको पॉपुलर सेक्शन में दिख जाएंगे। और आपको यहाँ शॉर्ट्स वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आपको एक बढ़िया सा कस्टमाइजेशन मिल जाता है। जैसे यहाँ शॉर्ट्स अलग रहेंगे, पॉपुलर वीडियोज़ अलग रहेंगे। यहाँ पर अपसाइड में ऑप्शन है, तो वहाँ पर आप क्लिक करके आप वीडियोस को रिमूव भी करना चाहते हैं रिमूव भी कर सकते हैं, और ऐड करना चाहते हो ऐड भी कर सकते हैं। जो भी आपको लगाना हो वो लगा सकते हो। तो जैसे फीचर सेक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में चलो मैं बताता हूँ आपको अच्छी तरह। तो आपको यहाँ एक सेक्शन मिलेगा फीचर सेक्शन में ऐड सेक्शन का। ऐड सेक्शन पर क्लिक करते ही आपको सबसे नीचे नीचे देखो फीचर चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर एक ऐड यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड सेक्शन टाइटल, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड सेक्शन टाइटल, और जो भी आपका यूट्यूब चैनल है आप उसे यहाँ पर सर्च करोगे। ठीक है, आप इसे सर्च करेंगे, वो चैनल आप सर्च करते ही यहाँ पर आ जाएगा। उस चैनल को आप यहाँ लगा सकते हो, और यहाँ पर डन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके से जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस पर यहाँ लगाया हुआ है। अब यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है सेटिंग का, सबसे मेन सेटिंग है ये ब्रांडिंग का। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है, और इस ऑप्शन में आपको पहला प्रोफाइल मिल जाएगा, दूसरा ब्रांड, दूसरा बैनर, और तीसरा आपका वाटरमार्क। और ये तीनों ही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले आपको यहाँ देखता है यूट्यूब का प्रोफाइल पिक्चर, यानी कि आप अपने यूट्यूब ओपन करते हो, तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आपको यूट्यूब प्रोफाइल फ़ोटो सिलेक्ट करना होता है आपको यहाँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ लगाया हुआ है, और आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। और चेंज वाले ऑप्शन पर देखिए आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप ऐड कर पिक्चर सिलेक्ट करके यहाँ लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ सेकंड स्टेप देखते हैं, बैनर इमेज। बैनर इमेज आपके चैनल का दर्शाता है कि मतलब आपके YouTube पे मतलब आप किस तरह की वीडियो बना रहे हैं, कौन से कंटेंट बना रहे हैं, तो वो बैनर पे आप दिखा सकते हैं अपने हिसाब से। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है टेक्निकल सोशल मीडिया ऐप के नाम से। इसमें आपको जिस तरह YouTube के बारे में इसमें आपको दिख जाएगा, YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि मतलब जो भी एप्लीकेशन है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी जाएगी। इस टाइप के कंटेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो टिप्स वगैरह हैं। तो इस तरीके से आप अपना यूट्यूब का बैनर लगाओगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि लैपटॉप में कैसा दिखेगा, कंप्यूटर में कैसा दिखेगा, और फ़ोन में कैसा दिखेगा। तो ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। आपको साइड में देखो इसका साइज भी बता दिया गया है कि ये साइज है, आप इतने साइज में यहाँ पर लगा सकते हो। जो साइज है यहाँ पर लिखा हुआ है 2048 x 1152, 52 साइज का होना चाहिए, और कम से कम 6 MB का साइज होना चाहिए बैनर का, 6 MB से कम का ही होना चाहिए। चलो इसमें जो आगे जो तीसरा स्टेप है, इसमें आपको जो वाटरमार्क के बारे में बताया गया है, तो ये है। जैसे मान लीजिए आपका कोई वीडियो है, कोई वीडियो देख रहा है, और वीडियो देखते देखते यहाँ पर कॉर्नर में आपको एक वीडियो का लोगो दिखेगा, मतलब जो आपका प्रोफाइल जो अभी आप लोगो सिलेक्ट करते हो वो लोगो दिखेगा। और आप अपने चैनल का यहाँ लोगो भी लगा सकते हैं, और सब अपने यहाँ सब्सक्राइब का बटन लगा देते हैं यहाँ पर। कोई भी आपकी वीडियो देख रहा है वो पूरी वीडियो देखते रहेंगे, और यहाँ पर नीचे कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन शो होता रहेगा। जैसे आपका कोई चैनल सब्सक्राइब करना भूल भी गया तो वो लोगो देख के भी सब्सक्राइब कर देगा बंदा। तो यहाँ पर देखिए आपको वीडियो वाटरमार्क कैसे लगाया जाता है।
तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है डिस्प्ले टाइम एंड ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए आप अपने वाटर मार्क को लगाना चाहते हो, आपकी कोई वीडियो देख रहा है और इसमें एंड हो रहा है, तो वो एंड में आपको लोगो शो हो जाएगा जो भी आपने लोगो सिलेक्ट किया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन में कस्टम टाइम, इसमें आप मतलब इसमें सिलेक्ट करते हैं तो कितनी देर तक आपका लोगो शो होना चाहिए, जैसे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है इसे एंटायर वीडियो, इसमें आपकी मतलब सारी वीडियो चलती रहेंगी और इसमें वो लोगो है जो आपका वाटर मार्क है वो शो होता रहेगा। कि इन तीनों ऑप्शन में से सबसे बढ़िया एंटायर वीडियो वाला ऑप्शन ही बढ़िया है, जिससे मतलब पूरी वीडियो में आपका जो लोगो है वो शो होता रहेगा वाटर मार्क, और मतलब जो भी आपका वीडियो देख रहा है उसे मतलब अगर आपने सब्सक्राइब का बटन लगाया हुआ है तो उसको ध्यान भी आ जाएगा कि हाँ मुझे इस चैनल सब्सक्राइब भी करना है, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। इसके बाद दोस्तों ये सभी सेटिंग करने के बाद जैसे प्रोफाइल पिक्चर हो गई आपकी, बैनर हो गया और वाटरमार्क हो गया, और जो इसमें सबसे लास्ट वाला स्टेप आता है दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप क्या लगा रहे हो, क्योंकि इसी से आपका चैनल है इसी से सिलेक्ट होता है, मतलब आपका जो नाम है जो सर्च इंजन में जाता है और YouTube के NN गोल जियोम के इसमें जाता है, और जो आपका चैनल है वो ग्रो होने का सारा चांसेस यहीं से होता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है चैनल नाम का, या जैसे कि मैंने अपना चैनल का नाम लिखा हुआ है टेक्निकल सोशल हब, तो आप भी ऐसे अपने चैनल को नाम लिख लीजिएगा। जो इसमें सेकंड ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का, और इसमें क्या लिखना है देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हेलो दोस्तों टेक्निकल सोशल हब में यूट्यूब की टिप्स ट्रिक्स के बारे में, और इससे मतलब जो भी सोशल हब एप्लीकेशन है इससे रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, एंड रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आपको लेके आऊँगा। तो आपकी ज़रूरत की हर वीडियो यहाँ पर टेक्निकल सोशल मीडिया हब पे आपको मिलेंगी, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। मतलब आपको डिस्क्रिप्शन इस टाइप से डालना है जिससे मतलब सामने वाले पे आपका इम्प्रेशन बढ़े। यहाँ पर इसी तरह से आप देखिए नीचे लिखना है आपको जो जिस तरह से आप कंटेंट बनाते हो, मैंने यहाँ लिखा है माय चैनल यूट्यूब फोकस, माय यूट्यूब चैनल वीडियो फोकस। यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो की मतलब यूट्यूब पे किस टाइप की वीडियो बनाता हूँ कंटेंट बनाता हूँ वो लिखा हुआ है मैंने, जैसे यूट्यूब टिप्स वीडियोस टेक एंड अनबॉक्सिंग रिव्यू रिलेटेड हो गया, अनबॉक्सिंग हो गया, बेस्ट रिव्यू वीडियोस हो गया, इस पर मैंने यूट्यूब पर मैंने सारा फोकस किया हुआ है इस पर। और यहाँ पर मैंने अब नीचे जो लिखा हुआ है अपना मतलब यूट्यूब कैन फाइंड से यूट्यूब चैनल, मतलब आप सर्च कर सकते हो मेरे चैनल को, यहाँ पर अपना चैनल का नाम लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल का टेक्निकल सोशल हब, और मैंने यहाँ लिखा है आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए, और फिर देखिए आपके लिए मोस्ट मोस्ट वैल्यूएबल वीडियोस आपको देता रहूँगा, और नीचे मैंने फॉलो अपने और भी सोशल जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करने के लिए ये डिस्क्रिप्शन में लिखना है अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम फेसबुक का यूजर नेम, जैसे कि मतलब आपको कोई दूसरे सोशल ऐप पे सोशल चीज़ पे ढूंढना चाहिए फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे वो आपको आसानी से ढूंढ सके। और नीचे मैं आपको एक ऑप्शन देखो दिखाई दे रहा होगा, इसमें स्पॉन्सरशिप वगैरह जो बिजनेस से रिलेटेड आपको एक ईमेल आईडी देनी होती है जिससे आपको कॉन्टैक्ट कर सके, जिसको आप किसी को स्पॉन्सर करवाना हो अपने ऐड तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके ईमेल के ज़रिए। और आप यहाँ पर एक नोट लिख सकते हो जैसे कि मैं आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है, और नीचे में आपको देखो एक ऑप्शन मिलता है ऐड लैंग्वेज के, आप इस पर क्लिक करके आप लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो। मान लीजिए आप जिस लैंग्वेज में वीडियोस बनाते हो आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो मेरा लैंग्वेज है यहाँ पर हिंदी, तो मैंने यहाँ पर कोई लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। और जो सबसे इसमें मेन जो सेटिंग आती है चैनल URL, ये आपको नहीं बनाना होता है, ये YouTube की तरफ से ही बनता है अपने आप ही ऑटोमेटिक ही,
लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर कस्टम यूआरएल दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर कस्टमर यूआरएल बना सकते हो। लेकिन जो अब 2023 में यूट्यूब ने जो नया फीचर्स में डाला है, वो आपको हैंडल जिस जिस भी चैनल का आपको हैंडल दिया जाएगा एक पर्सनली, उस हैंडल के ज़रिए आप मतलब अपना यूट्यूब चैनल जो अभी आपका यूट्यूब का चैनल का नाम है, आप उससे आप कोई और नहीं बना सकता है उस, तो ये ऑप्शन आप छोड़ ही दीजिए। तो अब इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर लिंक्स दिया हुआ है, जैसे कि इंस्टाग्राम का आप यूआरएल यहाँ पर डाल सकते हैं, फेसबुक का यूआरएल डाल सकते हैं, और कोई भी जो भी आपकी अन्य एप्लीकेशन है वो भी इसका भी यूआरएल यहाँ पर डाल सकते हैं। और जैसा कि आप क्योंकि वीडियोस अच्छे हैं, तो आपका आप उसका भी यूआरएल यहाँ पर डाल सकते हैं, और कोई वीडियोस का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसका भी आप लिंक यहाँ पर दे सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है, हाउ टू रिमूव कॉपीराइट, उसके वीडियो का देखो टाइटल लिखा हुआ है और इसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और जो सबसे यहाँ पर जो लास्ट में सेटिंग आती है लिंक्स ऑफ बैनर, जैसे कि मान लो अपने अपने वीडियो का चैनल पे जो बैनर लगाया हुआ है, आप अपने यहाँ पर सोशल मीडिया का जो लिंक शो करवाना चाहते हैं तो वहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके साइड में आप अपने जो सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो आप दे सकते हैं। लिंक्स दिया हुआ देखो, यहाँ पर आपको 5 लिंक्स दिया हुआ है, आप यहाँ से क्लिक करके अपने फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, जैसे मोज एप्लीकेशन हो गया, और नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको जो इस तरह कोई स्पॉन्सर करवाना चाहे तो उस मेल आईडी से आपको संपर्क कर सकता है। तो आप अपने चैनल से जो आपकी जिस चैनल से आपका मेल बना में जिस मेल आईडी से आपका चैनल बना हुआ है उससे आप अलग ईमेल आईडी डालें यहाँ पर। तो ये सारा डालने के बाद आपकी जो सारी सेटिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट का मतलब ये वाली सेटिंग, अभी और भी इससे रिलेटेड और भी सेटिंग है, और ये सब सेटिंग करने के बाद आपको इसमें साइड में देखो एक सेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप पहले उस पर क्लिक कर लो। आपको यहाँ पर मतलब कई तरह की सेटिंग मिल जाएगी, जनरल, चैनल, अपलोड, डिफ़ॉल्ट, परमिशन, कम्युनिटी, एग्रीमेंट। तो इसमें जो सबसे पहला जो मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो ये यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो 3 इम्पोर्टेंट सेटिंग यहाँ पर भी है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग और फीचर एलिजिबिलिटी। तो पहले तो आप यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में एक कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी कंट्री से अगर आप हैं, जैसे मैं इंडिया से, तो मैंने इंडिया करा हुआ है यहाँ। कर लेने के बाद यहाँ पर नीचे आपको कीवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये कीवर्ड से है, यही आपने चैनल आपके चैनल को रैंक करवाते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपके मतलब चैनल पे अगर यूट्यूब पे कोई सर्च कर रहा है, आप जो भी आप वीडियो बना रहे हो उससे रिलेटेड, अगर जैसे मान लीजिए उसने सर्च करा है यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, तो अगर वो सर्च करता है, अगर आपने कीवर्ड वो यहाँ डाला हुआ है, तो आपकी वीडियो ज़रूर वहाँ पर शो होगी। जैसे कि मान लीजिए आपका चैनल का कोई नाम सर्च कर रहा है, अगर वो नाम आपने यहाँ पर भी डाला हुआ है अपने चैनल का, तो ज़रूर शो होगा। चैनल को सर्च लिस्ट में लाने के लिए भी वो यहाँ पर ज़्यादा कारगर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने यहाँ पर चैनल का नाम टेक्निकल सोशल हब और यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स के मतलब कीवर्ड्स यहाँ पर डाले हुए हैं। ये आपका मतलब चैनल या कीवर्ड्स सर्च करे तो आपका वीडियोस पहले आए, इसका मतलब यही होता है यहाँ। तो आपको अपने यहाँ चैनल का नाम डाल देना है और कीवर्ड्स डाल देना है, जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं मैंने कैसे डाला हुआ है। आप यहाँ पर जैसे बड़े यूट्यूबर का भी नाम नया डाल सकते हो, चैनल को सर्च में लाने के लिए मेन होता ही है। और आपको यहाँ दूसरे ऑप्शन पे आना है एडवांस सेटिंग में, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑडियंस। यहाँ पर आप जब अपने चैनल का स्टार्ट करते हैं, लोग क्या करते हैं कि इस चैनल को सेटिंग करना भूल जाते हैं या किसी को पता ही नहीं होता।
यानी कि यहाँ ऑडियंस, यहाँ मतलब आप किस टाइप की ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं मतलब, और YouTube को भी जब भी समझ में आएगा कि ये वीडियोस मतलब किसके पास भेजनी है, नोटिफिकेशन वगैरह। और अगर आपने इसे ही सिलेक्ट नहीं किया है तो YouTube को पता कैसे चलेगा कि ये वीडियोस मतलब किसको दिखानी है किसको नहीं दिखानी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखा है, डू यू वॉन्ट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स, यानी कि पूछा है कि यहाँ पर आप सेट करना चाहते हैं कि क्या आप ये वीडियोस बच्चों के लिए बना रहे हैं या किसी अडल्ट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप ये वीडियोस बच्चों के लिए बनाते हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अगर आप को लगता है कि ये वीडियोस बच्चों के लिए नहीं है तो आप इस पे नो कर दीजिए। और जो इसमें ये चीज़ है, ये ऐड पर्सनलिटी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर यस करते हो तो आप मतलब दूसरा, अगर जो नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पर भी आप मतलब बार बार सिलेक्ट करना चाहते हो कि आप बच्चों के लिए बड़ों के लिए बनाते हो, तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, आई नेवर अपलोड कॉन्टेंट दैट्स मेड फॉर किड्स। तो इसका मतलब ये है कि यानी कि मैं बच्चों के लिए बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बनाता हूँ जो कि मतलब बच्चे बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए बच्चों के लिए कुछ मतलब कुछ ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जो बच्चों के लिए नहीं होता है, तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर दोगे तो 18 से जो कम वाले बच्चे हैं उनके पास आपकी वीडियोस नहीं, एज रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा यहाँ। और जैसा कि आप मान लीजिए अगर आप मतलब बच्चे बूढ़ों के लिए सभी के लिए वीडियोस बनाते हैं तो यहाँ पर आप आई वॉन्ट टू रिव्यू द सेटिंग ऑफ एवरी वीडियो, तो यानी कि यहाँ पर जब भी आप वीडियोस अपलोड करेंगे तो ये आपकी वीडियोस है जो बच्चों के पास, बूढ़ों के पास, सभी के पास नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज देगा। यानी कि आप, सॉरी मैंने आपको गलत सेटिंग बता दी, मतलब आप सभी के लिए मतलब बना रहे हैं बच्चे बूढ़ों के लिए, तो आप इसमें दूसरा नंबर सेलेक्ट करते हैं नो का। और इसमें जो थर्ड ऑप्शन आता है डिस्प्ले काउंट, मतलब आप मतलब सब्सक्राइबर कम है अगर आप दिखाना नहीं चाहते तो आप इसे यहाँ पर हटा भी सकते हैं। यहाँ पर आप अनटिक कर दोगे तो आपके सब्सक्राइबर नहीं दिखेंगे। और जैसा कि आपको, अगर आपको लगता है आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा है और लोगों को दिखे, तो आप यहाँ पर टिक करके दोबारा से यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर अदर सेटिंग, तो ये सब जो नीचे दिया हुआ अदर सेटिंग, ये आपको कुछ नहीं छेड़ना है, ये अपने आप ही होते हैं यहाँ पर। और अब जो दोस्तों आपको जो इसमें थर्ड स्टेप मिल जाता है फीचर एलिजिबिलिटी, तो आपको इसमें ये करना होता है, इसमें आपको तीन फीचर मिलते हैं। पहला फीचर है स्टैंडर्ड फीचर, और दूसरा है इंटरमीडिएट फीचर्स, और जो तीसरा होता है वो है एडवांस फीचर। तो आप ये स्टैंडर्ड फीचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो अपलोड्स, प्लेलिस्ट क्रिएशन, एड कोलबोरेशन टू प्लेलिस्ट, एड न्यू वीडियोज़ टू एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट। और जो ये आपको यहाँ पर है ये अपने आप ही यहाँ पर अलेबल कर लेना है, और यहाँ अनेबल कर दीजिए। और यहाँ इसका मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ है चैनल इज फ्री एक्टिव गाइडलाइंस कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक्स, मतलब आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं आई हुई है, तो मतलब इसका मतलब आपका चैनल सुरक्षित है और अच्छी तरीके से चल रहा है। और जो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिला है इंटरमीडिएट फीचर, यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियोस ओवर 15 मिनट्स, कस्टम थंबल, लाइव लाइव स्ट्रीमिंग एंड कंटेंट आईडी।
तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना नंबर वेरीफाई करना होता है। तो नंबर वेरीफाई करने के बाद आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। 15 मिनट से ज़्यादा वो जो वीडियो होती है आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। कस्टम थंबनेल लगा सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते फीचर्स। तो इस एडवांस फीचर को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना वीडियो वेरिफिकेशन करना होता है या वैलिड आईडी देनी होती है, वेरिफिकेशन करना होता है। और यहाँ पर अपना चैनल हिस्ट्री वेरिफिकेशन करना होता है। लिखा हुआ है 1K सब्सक्राइबर एंड 4K वॉच टाइम, तो ये अपने आप ही पूरा होने के बाद अपने आप ही वेरिफिकेशन हो जाता है यहाँ। इससे मतलब ये होता है कि आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो ये अपने आप ही वेरिफिकेशन हो जाता है। पर यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। ये मतलब आपका जो 1K सब्सक्राइबर 4K वॉच टाइम वो पूरा हो जाएगा तो ये अपने आप ही वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग आपको कर लेनी है, ये सभी सेटिंग कर लेनी है। तो आपको दोस्तों ये जो ऊपर पब्लिश का ऑप्शन दिया हुआ है पब्लिश कर देना है। और आप इसको देख रहे हो कि आपने वीडियोस जो अपलोड करनी है वीडियोस, तो ये सभी मतलब सेटिंग करने के बाद आप अपनी वीडियोस अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो अभी तक आपने इस वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये वीडियोस कैसी लगी, और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। आप इसमें बेल आइकन को भी सब्सक्राइब ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियोस अच्छी अच्छी वीडियोस हैं यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में वो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच।